إياك نستعين. كراتشي كراتشي، دل سے دل سے آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ آپ کا. میرے کراچی کے باشعور شہریوں، میں آج جو میں آپ کے سامنے آیا ہوں، بڑی خاص بات چیت کرنے آیا ہوں، کیونکہ مسئلہ آپ کے مستقبل کا ہے. کراچی کے لوگوں، مسئلہ آپ کے بچوں کے مستقبل کا ہے، اس لیے میں آج آیا ہوں. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج میں ساری جگہ پاکستان کے جھنڈے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ مسئلہ تحریک انصاف کا نہیں، پاکستان کا مسئلہ ہے. میرے پاکستانیوں، یہ جو سازش ہمارے ملک کے خلاف ہوئی، میں چاہتا ہوں آپ آرام سے پہلے سن لیں کہ یہ سازش تھی یا مداخلت تھی. اچھا، پہلے بتانے سے پہلے ذرا ہاتھ کھڑے کر کے پہلے مجھے بتائیں کہ یہ مداخلت تھی. اور آپ وہ بتائیں کہ یہ سازش تھی. سازش ایک بہت بڑی بین الاقوامی سطح کے اوپر اس ملک سے سازش ہوئی ہے، اور میں تھوڑی سی خاموشی چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ میرے سے سنیں کہ آپ کے ملک سے ہوا کیا ہے. میں اس سے پہلے اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کبھی کسی ملک کے خلاف نہیں ہوں، نہ میں اینٹی انڈین ہوں، نہ میں اینٹی یورپین ہوں، نہ میں اینٹی امریکن ہوں. میں انسانیت، دنیا میں انسانیت کے ساتھ ہوں. میرا رب رب العالمین ہے، سب انسانوں کا خدا ہے، اور میرے لیڈر رحمت للعالمین ہیں، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. اس لیے میں کسی قوم کے خلاف نہیں. امریکہ میں ہمارے سب سے طاقتور پاکستانی کمیونٹی ہے، پاکستانی امریکنز. وہ بڑی مضبوط اور طاقتور کمیونٹی ہے. اور وہ بھی پاکستان کو پیسے بھیجتے ہیں جس پہ ہمارا ملک چلتا ہے. لیکن میرے پاکستانیوں، میں دوستی سب سے چاہتا ہوں، غلامی کسی سے نہیں چاہتا. میں نے، اور پاکستانی قوم سن لو، یہ میں آج آپ کو کراچی آیا یہ آپ کو یہ بتانے کے لیے،
लोगों ने कहा कि इमरान खान तुम्हारी जान को खतरा है, बैरूनी साजिश भी अंदरूनी भी, माफिया बैठे हुए आपकी जान के पीछे। पाकिस्तानियों, मेरी जान इतनी जरूरी नहीं जितनी आपकी आजादी इस मुल्क को जरूरत है। ये जो साजिश हुई है ये आपको गुलाम रखने की साजिश हुई है। एक मीर जाफर को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है। नौजवानों जो तारीख नहीं जानते, मीर जाफर कौन था? मीर जाफर वो एक गद्दार था जिसने अंग्रेजों के साथ मिलके बंगाल का जो मुगल सल्तनत का गवर्नर था सिराजुद्दौला, उसने अंग्रेजों के साथ मिलके उससे गद्दारी की और बंगाल अंग्रेजों के हाथ में चला गया। तो मेरे पाकिस्तानी सुनो, जो मुगल सल्तनत का सबसे अमीर और खुशहाल सूबा था वो बंगाल था, और मीर जाफर की गद्दारी की वजह से वो अंग्रेजों के हाथ में चला गया। जानते हैं उसके बाद बंगाल से क्या हुआ? बंगाल के ऊपर अंग्रेजों ने टैक्स लगाए, किसानों से उन्होंने पैसा निकाला, किसान गरीब हो गए, कहत पड़ गया, करोड़ों लोग कहत के अंदर बंगाल में मरे। जब अंग्रेज आया था तो बंगाल सबसे अमीर सूबा था, और जब वो गया तो सारे हिंदुस्तान में बंगाल सबसे गरीब सूबा रह गया। तो मेरे पाकिस्तानियों, यहां भी एक मीर जाफर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया साजिश के तहत। ये हमारा जो मीर जाफर है, सामने उधर से उतर जाओ वो गिर जाएगा, प्लीज नीचे उतर जाओ। नौजवानों मेरी बात सुन रहे हो, नीचे आ जाओ, वो गिर जाएगा। असल में कराची वालों, ये ग्राउंड बहुत छोटी पड़ गई है। नीचे आ जाओ, गिर जाएगा। जरा वो शाबाश। अच्छा जी, हाँ मैं डीजल पे आ रहा हूं। हमने डीजल की कीमतें नीचे की थी, ये अब आपकी डीजल की कीमतें बढ़ाने वाले हैं। अच्छा तो मेरे पाकिस्तानियों, ये साजिश क्या हुई? आज से 3-4 महीने पहले हमें पता चला कि अमरीकी सफारत खाने में उन्होंने ऑपोजिशन के लोगों से मिलना शुरू किया, और जिन लोगों ने हमारे से अपने जमीर बेच के जो लौटा हुए थे इनसे भी मुलाकातें करनी शुरू कर दी, और फिर वो कई सहाफी जो खास तौर पे इस साजिश में मुलव्वज़ थे वो भी अमरीकी में एम्बेसी में और सफारत खाने में उनकी भी मीटिंग्स होनी शुरू हो गई। एक सहाफी ने मुझे 3 महीने पहले बताया, कहता आपको पता है कि हमारे ऊपर बड़ा पैसा खर्च हो रहा है। तो साजिश तो पहले से हो रही थी, फिर क्या होता है?
अमेरिका में हमारे एम्बेसडर की मुलाकात होती है अमेरिकी ऑफिशियल डोनाल्ड लू के साथ, और ये सुने वो क्या कहता है, पाकिस्तानियों सुने ये क्या कहता है। वो पाकिस्तान के एम्बेसडर को कहता है कि अगर तुमने इमरान खान को, और उसे पता था कि अदम एतमाद दर्ज हो रहा है असेंबली में, टेबल हो रहा है, उसे पता था, अभी असेंबली में आया नहीं था। उधर वो कहता है कि अगर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब ना हुआ तो पाकिस्तान के ऊपर बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, धमकी दी। और फिर कहता कि अगर अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ कामयाब होगी तो पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा। पाकिस्तानियों मुझे ये बताओ कि इससे शर्मनाक धमकी मुझे पता था ये होना है। तो पाकिस्तानियों इससे शर्मनाक धमकी 22 करोड़ लोगों की कौम को दी जा रही है, और किसको दे रहे हैं, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को। जरा कराची के लोगों ये गौर से सुनो, और जो भी आज ये सारे पाकिस्तान में हमारे लोग निकले हुए हैं, पाकिस्तानी निकले हुए हैं इस साजिश के खिलाफ, सब सुने। सवाल मासूमाना सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर तो मैं हूं, तो वो धमकी किसको दे रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को हटाओ। प्राइम मिनिस्टर तो मैं था, और वो धमकी दे रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को हटाओ। किससे वो कह रहा है बात, किससे मुखातिब है? और उसके बाद साजिश शुरू। हमारे 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके जमीर जाग जाते हैं, उनको एकदम पता चलता है कि जो हो तहरीक इंसाफ तो बहुत बुरी है। 20-25 करोड़ जेबों में डाल लेते हैं, और उसके बाद जो हमारे इत्तेहादी हैं वो भी छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो बताओ पाकिस्तानियों के ये साजिश थी या नहीं, हाथ खड़ा करके बताओ। कौन से मुल्क को इस तरह की धमकी दी जाती है? फिर मेरे पाकिस्तानियों, मैं जरा आज आपसे दिल की बात करना चाहता हूं। फिर क्या होता है, फिर जनाब हमारे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वो असेंबली में जाके क्या कहते हैं, उनको जब पता चलता है इस मरासले का, तो वो कहते हैं कि मेरी जो ओथ है, मेरा जो हल्फ है, जो कहता है कि पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की खुददारी की मैं हिफाजत करूंगा, ये मुझे इजाजत नहीं देता इस मरासले में जिसमें वाज तौर पे अदम एतमाद का लिखा हुआ है। और उसने कहा कि मैं अर्जन करता हूं। उसके बाद जो होता है, सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देता है, बड़ी हमें तकलीफ होती है, हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लेते हैं। फैसला ऐसा होता है कि हमारे हाथ बन जाते हैं, असेंबली में यह भी बता दिया जाता है कि किस वक्त आपने वोटिंग करवानी है। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं आप सबके सामने जो बात करना चाहता हूं वो ये कि जो रात के 12 बजे
अदालतें खुल गई। मैं पूछना चाहता हूं कि मैं वो क्या जुर्म करना था जो आपने अदालतें खोल दी? मैं वो पाकिस्तानी हूं जिसने अपनी जमात का नाम इंसाफ की तहरीक रखा। मैंने पूरी तरह आजाद अदलिया की जंग लड़ी। मुझे जनरल मुशर्रफ ने जेल में डाला क्योंकि मैं आजाद अदलिया की जंग लड़ रहा था। मैंने आज तक कभी पाकिस्तान का कानून नहीं तोड़ा। मैं क्रिकेट के जमाने से 45 साल से पाकिस्तानी कौम मुझे जानती है। कभी मैंने अपनी कौम को क्रिकेट की खेलों की ग्राउंडों पर शर्मिंदा नहीं करवाया। कभी इमरान खान का नाम मैच फिक्सिंग में नहीं आया। अल्लाह का करम ऐसा, उसने मेरी मदद की। पाकिस्तान के दो सबसे बड़े खैराती इदारे, दो शौकत खानम हॉस्पिटल बनाए और तीसरा सबसे बड़ा कराची में बन रहा है। दो यूनिवर्सिटीज बनाई, नमल और अलकादर, जिधर 90% बच्चों का मुफ्त तालीम मिलती है। अस्पताल में 75% कैंसर के मरीजों को मुफ्त इलाज होता है। और मुझे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन का वाहिद सियासतदान हूं। तो मेरा दिल से आज गिला है कि मुझे अदम एतमाद की तहरीक जो मेरे खिलाफ कामयाब हुई, यकीन करें मुझे उसका पहले ही पता चल गया था कि मैच फिक्स हो गया। लेकिन जो मुझे तकलीफ हुई कि मेरे खौफ में कि मैं कोई जुर्म कर दूंगा, कोई आईन तोड़ दूंगा, रात के 12 बजे जो अदालतें खोली वो सारी जिंदगी मेरे दिल में बात रह जाएगी। और मैं अपनी अदलिया से दो और सवाल पूछता हूं कि क्या जब डिप्टी स्पीकर ने अपनी ओथ को सामने रखते हुए, मैं ये सवाल पूछता हूं कि जब उसने वो कहा था कि मुरासला यानी जो साइफर जो पेपर था, जो डॉक्यूमेंट था, क्या सुप्रीम कोर्ट को कम से कम उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए था? इतना बड़ा मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को धमकी मिल रही है कि नो कॉन्फिडेंस कामयाब होगी तो हम ताल्लुकात अच्छे रखेंगे। और फिर ये भी कहते हैं, ये सुने जरा, कि अगर वो कामयाब हो गई तो उनको पता था किसने आना है। मीर जाफर अचकन सलवा के तैयार बैठा था और उन्हें पता था कि जैसे ही मीर जाफर आएगा तो वो बड़े जूते पॉलिश करने का वो एक्सपर्ट है, चेरी ब्लॉसम। आते साथ ही चेरी ब्लॉसम को हुक्म मिला मीर जाफर को कि डू मोर, करो दहशतगर्दी के खिलाफ अभी और काम करो। मेरे दौर में एक दफा, सुने कराची के लोगों, एक दफा सदर ट्रंप, उसने पाकिस्तान को कहा कि हम दहशतगर्द, पाकिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है। अभी भी आप ट्वीट देखें जो उसको मैंने जवाब दिया। मैंने उसको यह जवाब दिया कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने सबसे ज्यादा आपकी जंग में कुर्बानियां दी हैं, बजाय हमारा शुक्रिया अदा करने के लिए
अभी भी मेरी ट्वीट है और सदर ट्रंप के साथ जब मैं अमेरिका गया आप उठा के देखें कि कभी भी शायद ही किसी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को वो इज्जत मिली जो उसने मुझे अमेरिका में इज्जत दी थी। पाकिस्तानियों करेगा सब कप्तान नया बनेगा पाकिस्तान नया बनेगा पाकिस्तान नया बनेगा पाकिस्तान झटके खड़ा है अब इमरान नया बनेगा पाकिस्तान। तो मेरे कराची के बाशऊर शहरियों मैं अमरीकनों को अच्छी तरह जानता हूं मैं यूरोपियंस को अच्छी तरह जानता हूं इन सब सियासतदानों से मैं बेहतर जानता हूं। आप जब अपने मुल्क की दिफा करते हैं अपने मुल्क के मफादात के लिए आप स्टैंड लेते हैं वो आप पे प्रेशर जरूर डालते हैं लेकिन आपकी वो इज्जत करते हैं। लेकिन जब अब उनके बूट पॉलिश करते हैं चेरी ब्लॉसम से वो इज्जत नहीं करते। वो और आपको वो और दबाते हैं। और जो मैं आपके पास आया हूं पाकिस्तानियों पहले तो मैं अदलिया से आखिरी बात कर दूं कि मैं अपनी अदलिया से दूसरी बात कि रिस्पेक्टेड जजेस जब एक खुली मंडी लगी हुई थी और बिक रहे थे पॉलिटिशियंस अपने मैंडेट से गद्दारी अपने हलके वाले लोगों से गद्दारी पाकिस्तान के आईन से गद्दारी हमारे बच्चे हमारे नौजवानों के लिए सबके सामने वो लोग जिन्होंने असेंबलियों में जाके पब्लिक को रिप्रेजेंट करना है जब वो अपने आप को बेच रहे थे तो मैं अपनी अदलिया से बड़े इज्जत से पूछता हूं कि क्या आपको एक्शन नहीं लेना चाहिए था आपको सुओ मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए था। क्या ये हमारा आईन इसकी इजाजत देता है बताएं इजाजत देता है कि आपसे वोट लेके आए और वहां जाके अपने आप को 20 करोड़ रुपए पे अपना जमीर बेच दें और फिर एक बाहर की साजिश का हिस्सा बन के अब गवर्नमेंट करा दें। पाकिस्तानी कौम जिधर भी आज ये देख रहे हैं क्योंकि सारी पाकिस्तान में ही मेरे सुन रहे हैं आपने इन जमीर फरोशों को कभी माफ नहीं करना। और ये जो पाकिस्तान का मीर जाफर है ये जो हर जगह सूट पहन के और टाई पहन के फिरता है अपनी आंखों को बताने के लिए जी मैं भी आप ही की तरह हूं इसको मुझे ये बताएं कि ये इंपोर्टेड हुकूमत नहीं आवाज नहीं आ रही इंपोर्टेड हुकूमत। मैं अपने सारे पाकिस्तान जितने भी पाकिस्तानी और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को आज खास तौर पे मैं यहां से आपको सलाम पेश करता हूं कि जिस तरह आप निकले हुए हैं आप इस साजिश के खिलाफ निकले हुए हैं मैं आज आपको सलाम करता हूं। तो मेरे कराची के बाशऊर शहरियों और जितने भी पाकिस्तानी आज सारे पाकिस्तान में ये देख रहे हैं
मैं जो आपको पैगाम देना चाहता हूं वो सबसे बड़ा ये है कि अगर ये साजिश कामयाब हो जाती है तो ये याद रखना, कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अमेरिका की धमकी के सामने खड़ा नहीं होगा। हमारे मुझे तकलीफ हुई कल वजीरिस्तान में हमारे 8 जवान शहीद हुए, जितने हमारे फौज ने कुर्बानियां दी हैं, ये जो अमेरिका की जंग में हमने शिरकत की 6,500 हमारे फौजियों ने कुर्बानियां दी, ऑफिसर्स ने दी। मेरी वालदा की तरफ से एक जनरल ने कुर्बानी दी, मेरे वालिद की तरफ से उस फैमिली से दूसरे जनरल ने कुर्बानियां दी। हम सब जिनकी फैमिलियां फौज में हैं सबको पता है कि ये जो अमेरिका की जंग में हमने कितनी कुर्बानियां दी, लेकिन किसी को याद है कि हम इस जंग में कैसे शिरकत किए? मैं आपको बताता हूं, एक धमकी आई अमेरिका से, जनरल मुशर्रफ अपनी किताब में लिखता है कि अमेरिका ने कहा अंग्रेजी में कि वी विल बॉम यू इनटू स्टोन एज, कि हम आपके ऊपर, अगर आपने हमारे साथ ना चले तो हम आपके ऊपर बमबारी करके आपको पीछे ले जाएंगे। एक धमकी, चारों शाने चित उनकी फौज में शिरकत कर ली, 80,000 अपनी लोगों को मरवा दिया, अरबों डॉलर का नुकसान करवा दिया, कबायली इलाके को हमने उजाड़ दिया, 35,00,000 लोग कबायली इलाकों से नकल मकानी की और कई कराची में आ गए। पूछे उनके ऊपर क्या गुजरी, 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान में, ड्रोन अटैक्स में एक दफा स्कूल के बच्चे, 60 स्कूल के बच्चे मर गए, कई दफा जनाजों पे ड्रोन अटैक, शादियों पे ड्रोन अटैक, गांव के अंदर 400 ड्रोन अटैक हुए। तो सवाल ये पूछता हूं मैं कि एक धमकी दी अमेरिका ने और हमने अपने मुल्क की तबाही की, तो मेरे से जब क्या गिला है अमेरिका को, मेरे अमेरिका का क्या बिगाड़ा है? मैंने सिर्फ उनको ये कहा, जब मेरे से इंटरव्यू में पूछा कि आप अमेरिका को बेस देंगे यानी कि फिर से उनकी जंग में शरीक होंगे, तो तब मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। देखें पाकिस्तानियों, सुनो गौर से मेरी बात, एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर वो मुल्क के बाप की जगह रखता है, उसकी कौम उसके बच्चे होते हैं। 22 करोड़ पाकिस्तानी, जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, मेरी जिम्मेदारी है मैं उनको किसी की जंग में ले जाऊं और मेरे लोग शहीद हों, मेरी फौज फौजी शहीद हों, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं कभी अपने लोगों को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान नहीं कर सकता। मैं चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश नहीं हूं, मैं इस मुल्क का मीर जाफर नहीं हूं जो बाहर की कुवतों से मिलके मुल्क में साजिश करके एक इलेक्टेड गवर्नमेंट करा दे, बाहर से पैसा आए, लोगों के जमीर खरीद ले। मैं नहीं, सुने, मैं पैसा नहीं दे सकता था। हमारी 4 गवर्नमेंट्स थी, 4 हुकूमतें थी हमारी, मैं नहीं पैसा खर्च करके लोगों को वापस खरीद सकता था। मैंने सिर्फ अवाम का पैसा, गवर्नमेंट का पैसा, अवाम का पैसा, मैंने वही पैसा चोरी करके जमीर खरीदने थे। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, मेरे में खौफ खुदा है, मैंने अल्लाह को जवाब देना है।
और मैं क्या अपने नौजवानों के लिए, अपने बच्चों के लिए मैं क्या मिसाल दूंगा कि मैं अपनी हुकूमत बचाने के लिए रिश्वत दे रहा हूं, जमीन खरीद रहा हूं? क्या जवाब दूंगा मैं अल्लाह को और अपनी आवाम को? बेहतर है कि हुकूमत चली जाए। लेकिन अपने और आप नौजवानों याद रखो, कभी अपने जमीर का सौदा ना करना, कभी ना करना, क्योंकि थोड़ी देर तो पैसा मिल जाता है, बाकी जिल्लत ही जिल्लत है। ये आप लोटे जमीर फरोश जब पब्लिक में आएंगे मेरे पाकिस्तानियों, कराची के बाशऊर लोगों, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि अगर ये साजिश कामयाब हो गई, इसी तरह धमकियों में हमारे प्राइम मिनिस्टर घुटने टेक देंगे अपने लोगों के मफादात के खिलाफ, अपने लोगों के मफादात कुर्बान करेंगे किसी और ताकत के लिए। इसलिए जरूरी है कि ये मीर जाफर की हुकूमत को हम कामयाब ना होने दें। तो पाकिस्तानियों फिर सुने, एक जनरल मुशर्रफ ने घुटने टेके उनकी जंग में ले जाने के लिए, और दूसरी तरफ उसने पता कब घुटने टेके? कोंडालीज़ा राइस, जो उनकी अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, वो अपनी किताब में लिखती है कि मैंने बेनजीर और जनरल मुशर्रफ को इकट्ठा किया, और क्योंकि हम चाहते थे कि हमारी जंग लड़े ये, तो मैंने इन दोनों को इकट्ठा किया, और तब जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दिया इन दोनों बड़े डाकुओं को, जरदारी को और नवाज शरीफ को, ये तब एनआरओ दिया गया। सारे इनके करप्शन के केसेस माफ कर दिए गए, ये फिर वापस आए। 10 साल इन्होंने मुल्क को लूटा, 10 साल। मेरे ऊपर पहले दिन से प्रेशर डाला कि इनको एनआरओ दो, आज गवर्नमेंट करा देंगे, कल लॉन्ग मार्च कर देंगे। सारा वक्त इन्होंने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि हमें इनको एनआरओ दे दूं। मैंने इनको तब कहा, मुझे फखर है कि मैंने अल्लाह से वादा किया था कि मैं कभी अपनी कौम से गद्दारी नहीं करूंगा। एनआरओ अब क्या हुआ है? जो सबसे बड़ा जुल्म है ये अब मैं आपको बताने लगा हूं। मैं क्योंकि मगरबी माशरे को जानता हूं, आप यकीन करें मेरे पाकिस्तानियों के, शहबाज शरीफ के ऊपर 40 अरब रुपए के करप्शन के केसेस हैं एफआईए और नैब में, 40 अरब। जो मैं मगरबी माशरा जानता हूं अपने मुल्क में, अगर ये शहबाज शरीफ वहां होता और इसके ऊपर 40 अरब रुपए के करप्शन के केस होते, तो इसको मकसूद चपड़ासी भी ना रख सकते। हमारे मुल्क की तोहीन, इससे ज्यादा तोहीन क्या हो सकती है कि एक इतना, एक बेल के ऊपर, एक जमानत के ऊपर आदमी, उसको मुल्क का हमने प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया है। इन्होंने बनवाया अपने मुल्क में, इनके क्या इखलाकी स्टैंडर्ड्स हैं और हमारे मुल्क में इसको ऊपर मुसल्लत किया है? यानी ये हमें कितनी नीची नजर से देखते हैं पाकिस्तानियों, ये हमें क्या समझते हैं
एक जमानत के ऊपर डाकू को प्राइम मिनिस्टर बना दिया और जमानत पे इसका जो बेटा है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब का बन गया। सोचे सारी पाकिस्तानी कौम, मैं आप सबको कहता हूं कि गौर से सोचे कि हमारे मुल्क से हो क्या रहा है। कहां उनकी जमहूरियत और उनकी मॉरल स्टैंडर्ड्स, उनकी अखलाकियात, और हमारे मुल्क से क्या किया जा रहा है। इनको इसलिए चोरों को मुल्क के सरबरा बनाते हैं क्योंकि ये चोर बड़ी आराम से इस्तेमाल हो सकते हैं। इनका अपने पैसे बचाने के लिए ये हर गलत काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिए इनको लेके आते हैं सामने। और अभी से ही, पहले से ही वो सिग्नल दे रहा है जी कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। उनको पहले ही पैगाम पहुंचा रहा है कि जो कौम मकरूज होती है उसको गुलामी करनी पड़ती है। शहबाज शरीफ, तुम्हें गुलामी करनी पड़ती है, ये कौम गुलामी नहीं करेगी। कराची के लोगों, जो अब आगे होने जा रहा है, मैं इसलिए आप सबके पास आया हूं। अब ये क्या करेंगे, जब आपने बाहर से साजिश के तहत हमारे ऊपर अमरीकनों ने इसको मसलत कर दिया है, अब ये क्या करेगा। सबसे पहला काम इसने क्या किया कि जो 16 अरब के इसके ऊपर केसेस थे, जो नौकरों के नाम पे इसने 16 अरब रखे हुए थे, जिस एफआईए ने इन्वेस्टिगेट किया था, जिस ऑफिसर ने, सबसे पहले इसने उसको फारग किया, सबसे पहले उसको निकाला है। फिर लाहौर नैब पे इन्होंने फिर आदमी लेके आया है जो इनके केस खत्म करेगा और दूसरों के ऊपर केस बनाएगा, इंतकामी कार्रवाई करेगा। ये है पाकिस्तानियों, ये है पाकिस्तान जिधर आज खड़ा कर दिया है कि वो लोग जो 30 साल से मुल्क को लूट रहे थे उनको वापस मुसलत किया हमारे ऊपर। और वो अब क्या करेंगे कि हमारे दौर में जिन ऑफिसर्स ने बड़ी मुश्किलों से, ऑफिसर्स डरते थे इनके खिलाफ एक्शन लेते हुए, तो जिन ऑफिसर्स ने इनके खिलाफ अपनी ड्यूटी करते हुए इनकी चोरी पकड़ी थी, अब उनके ऊपर इंतकामी कार्रवाई होगी। क्या मिसाल जाएगी बाकी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को? सब डरेंगे, सब डरेंगे इनके कभी भी आगे ताकतवर के ऊपर एक्शन लेते हुए। कराची के बाशऊर लोगों और सारे पाकिस्तानी जो देख रहे हैं, हमेशा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद रखो। उन्होंने कहा आज से तकरीबन 1500 साल पहले, उन्होंने कहा कि वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं जिधर जब छोटा चोर चोरी करे तो जेल में, और बड़ा डाकू चोरी करे तो इंसाफ का निजाम उनको नहीं पकड़ सकता। उन्होंने बताया कि ये है वजह कौमों की बर्बादी की। और पाकिस्तानियों, ये देख लो आपके सामने कि सारे चोर आ गए हैं वापस। उधर जो मास्टरमाइंड था इस सारी साजिश का, लंदन में बैठ के जो ये सारी साजिश कर रहा था, जो यहां कानून से झूठ बोल के दूसरी दफा भागा, पहली दफा मुशर्रफ के दौर में इसने मुआयदा करके सऊदी अरेबिया भाग गया, अब यहां झूठ बोल के कि जनाब मरने वाला है, बड़ा बीमार है, ये लंदन चला गया। अब वो तैयारी कर रहा है वापस आने के लिए।
अब पाकिस्तान का सारा इंसाफ का निजाम ट्रायल पे है। सारी कौम अब देख रही है कि हमारा इंसाफ का निजाम क्या ये ताकतवर डाकुओं के खिलाफ खड़ा हो सकता है या नहीं। मैं अपनी अदलिया, अपनी नैब, इन सब से पूछता हूं कि अब क्या करेंगे आप। इन्होंने तो पहले अपने सारे करप्शन के केसेस माफ करवाए हैं, अब जब फिर करेंगे ये सारा, ये वो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले हैं जो कोई दुश्मन नहीं पहुंचा सकता। इसलिए मैं आपके पास आया हूं। ये वक्त है मेरे पाकिस्तानियों, ये वक्त है आप सबको अपने मुस्तकबिल के लिए, आप सबको निकलना है, अपनी गलियों में निकलना है, गांव में निकलना है, शहरों में निकलना है। ये आपने जुल्म, नाइंसाफी, साजिश अगर आपने ये कबूल कर ली इस मुल्क में, मैं आज आपको कह रहा हूं आपके बच्चे आपको माफ नहीं करेंगे। एक दफा एक कौम करप्शन को बुरा नहीं समझती, जब वो करप्शन को एक्सेप्ट कर जाती है, जब बुराई को बुरा नहीं समझती तो वो कौम की तबाही हो जाती है, वो कौम नहीं बचती। मौलाना रूमी ने यही कहा कि जब कौम अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है मर जाती है। हमारे लिए ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है। मैं फिर से कहता हूं कि मुझे बड़ा काजी आपके खिलाफ साजिशें हैं, आपकी जान को खतरा है, मेरी जान से ज्यादा पाकिस्तान को खतरा है। ये आप, मैं अपनी सारी पाकिस्तानी कौम को कहता हूं, इस साजिश को आपने कामयाब होने दिया। मैं फिर से कहता हूं ये वो अल्लाह की नेमत है पाकिस्तान, ये एक अजीम मुल्क बन सकता है, इसमें सब किस्म की अल्लाह ने नेमतें दी हैं। लेकिन कोई भी मुल्क, जिस मुल्क के ऊपर चोरों को आप मसलत करते हैं, वो कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और सिर्फ यही नहीं कि वो करप्ट हैं, वो बाहर के एजेंडा पाकिस्तान पे चलाएंगे। मैंने किस चीज से अमेरिका नाराज हुआ, एक एक जी मैंने कहा कि हम नहीं मानते, हम अमन में आपके साथ हैं, जंग में आपके साथ नहीं है। दूसरा, जब मैं रूस में गया तो हमने उनसे कहा कि हमें तेल और गंदम चाहिए, दोनों तेल भी 30% कम पे वो हमें दे रहे थे और गंदम भी 30% कम पे हमें दे रहे थे। इसके दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, तो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, जिसको मैं वैसे कराची आपके जुनून को सलाम करता हूं। आपके शऊर को सलाम करता हूं। अब हमारे सामने दो रास्ते हैं। अब मैं सारी पाकिस्तानी कौम को कह रहा हूं, दो रास्ते हमारे सामने। हम जब नमाज पढ़ते हैं, हम अल्लाह से सिर्फ एक चीज मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमते बख्शी,
ان کے راستے پہ نہیں جو تباہی کا راستہ ہے. ہماری قوم کے سامنے یہ دو راستے آ گئے جس کی وجہ سے یہاں آیا ہوں میں. ایک طرف راستہ ہے لا الہ الا اللہ کا راستہ, اللہ تیرے سوا کوئی کسی کے سامنے ہم سجدہ نہیں کرتے. ایک کہ اللہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا شرک ہے. ہم امریکہ ہم ان سے دوستی کر لیں گے لیکن ان سے کے سامنے غلامی نہیں کریں گے. ہمارا دوسری بات کہ ہمارا قرآن میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے امر بالمعروف کہ تم اچھائی کے ساتھ رائے حق پہ کھڑے ہوگے اور بدی کے خلاف جہاد کرو گے. پاکستانی قوم یہ یاد رکھیں, اللہ نے کوئی تیسرا راستہ نہیں دیا. آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے, اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم ہے کہ یہ تم چوروں اور ڈاکوؤں کے خلاف جہاد کرو. آپ رائے حق پہ چلیں اس کا حکم ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں تیتر اور بٹیر ہوں یا ایک ہے یا دوسرا. تو میری ساری قوم کو آج میں پیغام دینا چاہتا ہوں, چاہے وہ نون لیگ کے لوگ ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی, چاہے وہ ایم کیو ایم, سب کو میرا پیغام ہے کہ اللہ کا حکم ہے. اس وقت جب ایک بڑی سازش ہو کے ایک ملک میں رجیم چینج کی گئی اور میر جعفر کو اوپر بٹھا دیا, آپ سب پہ فرض ہے کہ پہلے تحقیقات کر لیں. اور ہم نے کہا ہے کہ جو مراسلہ ہے یہ جوڈیشل کمیشن بیٹھے چیف جسٹس کے نیچے اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, کیونکہ ہمیں پتہ سازش ہوئی ہے. لیکن جب ہم نے ساری اسمبلی کو کہا کہ آ کے خود نیشنل اسمبلی کی سیکیورٹی کمیٹی میں اس کو آ کے دیکھیں, تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے میر جعفر نے تو آنا نہیں تھا, وہ تو سازش کا حصہ ہے, لیکن باقی ان ایم این ایس تو آ کے دیکھتے. پھر سپیکر نے کہا کہ آ کے دیکھو, تب بھی یہ نہیں آئے. تو اگر یہ آپ کو پتا ہے, آپ کو جب یہ پتا چل جائے کہ یہ اس جو مراسلے میں واقعی رجیم چینج کا اور نو کانفرنس کا لکھا ہوا ہے, تو اس کے بعد آپ کیسے ان کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ کیسے آپ کا ضمیر مانتا ہے ان کا ساتھ دینے میں؟ کیسے آپ ایک بیرونی سازش کا حصہ ہو سکتے ہیں؟ تو میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ یہ ٹائم ہے, آپ سارے پاکستانی مل کے نکلیں اور کہیں, ایک ڈیمانڈ کہیں کہ ہمیں الیکشن چاہیے, ہمیں الیکشن چاہیے.
हमें इलेक्शन चाहिए। ये मुल्क जमहूरियत पसंद है। अगर अगर ये वाकई लोग इस मीर जाफर को पसंद करते हैं तो इलेक्शन में जीत जाओ, लेकिन ये कभी इलेक्शन नहीं करवाएगा। ये इलेक्शन इसलिए नहीं करवाएगा कि इसने पहले आके हर किस्म की इंतकामी कार्रवाई करनी है। मैं आज सारे पाकिस्तानियों को बता रहा हूं कि इन्होंने ये जो फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाला है, इससे कोशिश करेगा कि किसी तरह मैच से ही बाहर हो जाए तहरीक इंसाफ। बात सुनो पाकिस्तानी मीर जाफर, गौर से बात सुनो। मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारी पार्टी का, पीपल्स पार्टी का और तहरीक इंसाफ का इकट्ठा हमारी फंडिंग का केस इकट्ठा सुना जाए। और मैं आप सबके सामने दावा करता हूं, मैं ये दावा करता हूं कि सिर्फ एक पार्टी की पॉलिटिकल फंड रेजिंग है पाकिस्तान की तारीख में, और उसका नाम तहरीक इंसाफ है। ये मैं आपको शरीफ माफिया की डॉक्ट्रिन बता दूं, ये क्या करेंगे, हर जगह पहले अपने अंपायर खड़े करेंगे, इलेक्शन कमीशन में अभी अपने लोग भरेंगे ताकि इलेक्शन में धांधली करें, ब्यूरोक्रेट्स अपने लेके आएंगे, एफआईए के अंदर केसेस करेंगे हमारे खिलाफ, नैब में झूठे केसेस बनाएंगे और फिर कोशिश करेंगे कि धांधली करके किसी तरह मीर जाफर फिर आ जाए। मैं आज सारे पाकिस्तान को कहना चाहता हूं कि हम मजबूत इदारे चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे इदारों को किसी तरह कोई कमजोर करे। मजबूत इदारे से मजबूत कौम बनती है। लेकिन ये जो करने जा रहा है, जो इन्होंने हमारे सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ा, मेरा पैगाम सुन लो कि अगर हमें दीवार से लगाया तो मुल्क को नहीं आपको नुकसान पहुंचेगा। मेरी जमात और जितने भी हमारे लोग निकल रहे हैं, मेरा सबको पैगाम है कि हमने पुरमन रहना है, हमने कभी किसी किस्म के टकराव की सियासत नहीं करनी। हमारे ही लोग हैं, हमारी पुलिस है, हमारी फौज है, हमारे इदारे हैं। हमने किसी किस्म का हमने हमेशा पुरमन एहतजाज किए, और ये भी जो हमारी तहरीक है ये पुरमन रहेगी। और मैं फिर से ये खबरदार करना चाहता हूं कि कोई ऐसी चीज ना करना कि ये तहरीक तब्दील हो, क्योंकि मैं किसी किस्म का अपने मुल्क को नुकसान नहीं देखना चाहता, ना किया है और ना इंशाल्लाह कभी हम होने देंगे। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, आखिर में आप सब तैयारी करें। आज जिधर बिजर भी पाकिस्तान में ये देख रहे हैं, मैं पहले तो सब आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरी कौम पाकिस्तान के लिए बाहर निकले हैं। मैं बैरून मुल्क पाकिस्तानियों फिर से आपके जज्बे को सलाम करता हूं। मैं सोशल मीडिया के जो हमारे पाकिस्तानी एक्टिविस्ट हैं, जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, मैं आज आपको भी सलाम करता हूं
कि आपने ये जो इंपोर्टेड हुकूमत नाम मंजूर वो ट्रेंड आज भी दुनिया में सबसे ऊपर है। मैं आपको सलाम करता हूं और मैं इंशाल्लाह लाहौर मीनारे पाकिस्तान पे जुमेरात को जो जलसा करूंगा, मैं अपने लाहौर के लोगों को भी जानता हूं। इंशाल्लाह 11 पार्टीज ने मिलके भी जो किया था वो आप देखेंगे कि लाहौर के लोग जब निकलते हैं मीनारे पाकिस्तान में सारी कौम देखेगी लाहौर के लोगों को। और हमारा एक पैगाम होगा कि हम कभी भी इस इंपोर्टेड हुकूमत को मंजूर नहीं करेंगे और हम एक चीज चाहते हैं, हम इलेक्शंस चाहते हैं। हम इस मुल्क में इलेक्शन चाहते हैं, सारी कौम इलेक्शन के लिए तैयार है। आप तैयार हैं इलेक्शन के लिए? और फिर से मेरे से वादा करना है आपने कि आपने सबक सिखाना है इन जमीर फरोश लोटों को इलेक्शन में। देखेंगे हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे जो लोहे दिल पे लिखा है, हम देखेंगे। आखिर में अली जैदी, आपको और आपकी सारी टीम को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं। जबरदस्त आपने ऑर्गेनाइज किया आज। मैं अपनी सारी फैमिलीज और ख्वातीन को आपको खराज तहसीन पेश करता हूं कि आप में जो जज्बा है, आप आई आज, फैमिलीज आई, बच्चे आए। और यही मैं चाहता हूं, आज 26 साल हो जाएंगे मेरी पॉलिटिक्स में। मुझे 26 साल के बाद पहली दफा नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी कौम बन रही है, हम एक कौम बन रहे हैं। माशाल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।